ये गांव लमनिया के पास में ही लमनिया गांव आता है, इसके बीच में ही एक महिला थी जिसका नाम पानबाई है और उसका पुत्र है विकास। ये दोनों भोपाल में रहते हैं। भोपाल में इनका सैंपल लिया गया तो कल इनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये भोपाल से अपने गांव की ओर आ रहे थे, दाऊद बासुदा जा रहे थे। तो देहात थाने टी आई साहब को सूचना मिली भोपाल से, ये लोग वहाँ से निकल आए हैं। उन्होंने उनको पहले ही पहुंचने से पहले ही रोक लिया है और अभी हम इन लोग को यहाँ से भोपाल वापस रेफर करेंगे। मंगलवार भोपाल से फोन मेरे पास फोन आया था कि उनके दो पॉजिटिव मरीज हैं जो कि आपके क्षेत्र में उनका लोकेशन आया है। तो जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि एक पानबाई है, उम्र करीब 30 साल है, उसके साथ उसका बच्चा भी है। बच्चे की उम्र 12 साल उन्होंने बताया था कि आपके क्षेत्र में लोकेशन मिला है। 12 तारीख को उनका मेडिकल हुआ था, जो परीक्षण हुआ था, तो उसमें आज शायद रिपोर्ट आई होगी तो उसमें वो पॉजिटिव पाए गए और कल से वो लोग दिख नहीं रहे हैं। हो सकता संभवतः उनका गृह जिला जो है यहाँ पर दाऊद बासुदा जगह है वहाँ का बता रहा है कि वहाँ के जाने की संभावना है। तो उस पर सूचना जैसे ही मिली तो हम लोगों ने संबंधित सभी जितने भी हमारे अधिकारीगण थे उन लोग को सूचना दी, FRB को दिया, थाने स्टाफ को दिया, चौकी प्रभारी को दिया, ताकि जितनी जल्दी हो सके कि उन लोगों को एक सर्कल बना के उनको जितनी जल्दी दस्तियाब हम पकड़ लें उतना बढ़िया रहेगा। नहीं तो ये अन्य लोगों के माध्यम से आ सकते हैं और मोबाइल हो गई है, प्राइवेट फोन भी हो गया है, उसके माध्यम से हम लोग ने लोगों को यहाँ पर एक जगह पकड़ा है। डॉक्टर को भी बता दिया गया है, डॉक्टर टीम भी आ रही है और जैसा भी हो उनको मेडिसिन के लिए उनको ले जाए। सर ऐसी कोई जानकारी मिली कि उनके टच में कोई रहा हो? नहीं, अभी इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के संबंध में भी हमने जानकारी निकाली है। तो अभी कुछ ऐसे इन्होंने बताया कि हम पैदल ही कल निकले थे करीब 5 बजे और रोड ही रोड आए हैं, पैदल ही आए हैं और बरेट के पास एक खेत में वो रात में सोना बता रहे हैं ज़्यादा थकान होने के कारण, फिर सुबह फिर पुनः वो यहाँ पर निकले हैं। तो बीच रास्ते में ही उनको घेराव कर लिया था, हमने पकड़ लिया था और दूर ही उनको रखा गया है।